नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जसविंदर लाइफ अवेदा से। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज एक फेज है वेमेन की लाइफ में जो 40 से 50 साल की उम्र के बीच में होता है। इसमें आपकी जो पीरियड्स मंथली आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। अगर आपको एक साल तक जो महीना आपको हर मंथ आता है वो बंद हो जाता है तो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको एकदम से गुस्सा आता है, जैसे हम मूड स्विंग कहते हैं, सडनली आपको एकदम से खुश हैं और उदास हो गई हैं, या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, भूख का ना लगना या बदहजमी महसूस करना, आपने आपका पेट खुल के साफ ना होना, ये इस मेनोपॉज के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो अगर आपको ये सब हो रहा है तो आप घबराइए मत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे अंडे बनते हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं, तो ये चेंजेस आने नेचुरल हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो अब हम इसमें क्या करें, मैं आपको कुछ बहुत सिंपल से घरेलू उपाय बताऊंगी, जो वो चीज़ें जो आपके किचन में आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने जीरा और सौंफ, आप ये कीजिए कि जीरा एक चम्मच जीरे को आप एक गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह आपने खाली पेट उठ के वो पानी पीना है। उसके 2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो पेट की गर्मी है वो ठीक होगी, आपको जो बेचैनी लगती है उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको बहुत बदहजमी है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, हाथों पैरों से सेक निकल रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, एक चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 लीटर पानी में उबालिए। जब आधा लीटर रह जाए उस पानी को 2 से 3 बार आप दिन में पीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क लगेगा। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स कहते हैं जिसे हम, वो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसमें एक है अश्वगंधा। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, नींद में बहुत कमी आ रही है, तो आप अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम ले लीजिए, चम्मच का आधा हिस्सा कह लीजिए मैं आपको बताऊँ, तो वो आप 1 कप दूध के साथ रात को सोते समय ले सकती हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। या फिर शतावरी चूर्ण, अगर आपको हाथों पैरों से बहुत सेक निकलता है या ठंडी, हम कहते हैं पसीना आ रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो उसमें आप शतावरी चूर्ण ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच होता है, 1 टीस्पून, 1 कप दूध के साथ रात को सोते समय। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल लो होते हैं, तो फीमेल्स को थोड़े से हार्ट रिलेटेड, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने के भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें आप अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपका उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा आ रहा है तो आप उसमें अर्जुन की छाल ले सकती हैं, उसकी आप चाय बना के पीजिए। उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चम्मच का 1/4 हिस्सा जो अर्जुन की छाल है उसका पाउडर बना लीजिए, उसको 4 कप पानी में उबालिए। जब 1 कप शेष रह जाए तो उसे सुबह खाली पेट लीजिए। ये वो उपाय हैं जिनसे आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। लेकिन अगर आपको किसी तरह का कोई रोग है, अगर आप कोई किसी तरह की कोई दवाई खा रहे हैं, तो इन सबको बिना डॉक्टर की परामर्श के ना लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।